आज हम जानेंगे फूड चेन और फूड वेब क्या होती है इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स. तो वो क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन को, सन की रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, एटी के फॉर्म में. तो वो खाना स्टोर हो जाता है उनमें. अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, प्लांट्स को हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कह देते हैं. अब प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या, जो उनकी एनर्जी है वो कौन यूटिलाइज करेगा, हर्बीवोर कौन है, काऊ है. ओके, नाउ काऊ, तो काऊ को हम क्या बोल देंगे, सेट किन ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे. और यहाँ पे लाइन क्या हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा. अब काऊ को लाइन खा सकता है, सेम इस तरीके से थर्ड एनर्जी लेवल आ गया यहाँ पे. ओके, तो ये फोर एनर्जी लेवल हो गया. फर्स्ट क्या हो गया, सन हो गया. सन में एनर्जी लेवल फुल रहती है, लेकिन जब प्लांट ने एनर्जी लेवल ली तो थोड़ी कम हो गई, काऊ ने ली तो उससे भी कम हो गई, और लाइन ने ली तो उसको बहुत ही कम एनर्जी लेवल लास्ट में मिलता है, क्योंकि ट्रांसफ़र में एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है. नाउ अब देखेंगे फूड वेब क्या होता है. फूड वेब कुछ नहीं, इसमें ये रहता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फुली डिपेंडेंट नहीं होता है. जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाता है, और हॉक और ग्रास हॉपर को हॉक भी खा लेगा. ठीक है, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खाएगा, और ग्रास हॉपर को लिजार्ड भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है. सेम ग्रास को रैबिट भी खा सकता है, और रैबिट को हॉक खा सकता है. ग्रास को माउस भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है. ग्रास को माउस भी खा सकता है, और माउस को स्नैक भी खा सकता है, और स्नैक को कौन खा सकता है, हॉक भी खा सकता है. अगर इसमें से एक भी स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है, तो क्या होगा, सोचा है? अगर एक भी स्पीसीज एक्सटेंट हो जाती है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, इट इफेक्ट होल फूड वेब. जैसे यहाँ पे हमने ये स्नेल को गायब किया, तो ये पूरी चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगी. या यहाँ से ये दूसरा वाला इंसेक्ट गायब हो गया, एक्सटेंट हो गया, तो भी पूरी फूड वेब वेस्ट हो जाएगी.